हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त होंगे। एंड बाय द वे, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज है धनतेरस, यहाँ आप लोगों के यहाँ धनतेरस का रात होगा, बट हमारे यहाँ धनतेरस की अभी सुबह हुई है। तो मैंने वैसे तो आप देख सकते हैं कि मैं आज आप लोगों के साथ अपना धनतेरस का, दिवाली का जो शॉपिंग मैंने किया है ना, उसका शॉपिंग हॉल में आप लोगों के साथ आज करने वाली हूँ। बट स्टिल जो चीज़ें मैंने खरीदी हैं वो धनतेरस के पहले खरीदी हैं। बट हमारे यहाँ जैसा रिचुअल है, जैसा कल्चर है कि धनतेरस के दिन एक छोटा सा ही सही बट एक सामान कुछ ले आते हैं, और स्पेशली झाड़ू। यार समझ में नहीं आता झाड़ू, ठीक है मतलब कोई वजह होगा झाड़ू खरीदने के पीछे, बट कितनी झाड़ू? इंडिया में तो इस्तेमाल होता है झाड़ू। अब मैं सोच रही हूँ मैं हर साल एक झाड़ू खरीदती हूँ, कुछ दिन में मुझे लग रहा मैं ही झाड़ू की एक दुकान खोल लूंगी। तो अमेरिका में एक नया बिजनेस स्टार्ट होगा, अर्चना मिश्रा या अर्चना राय की झाड़ू की दुकान। आज यही बात मैं अपनी मम्मी से भी कह रही थी। काफी सुंदर सुंदर चीजें हैं इसके अंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी। मतलब आप लोग देखोगे तो कहोगे कि हाँ यूएस में भी ऐसी चीजें मिलती हैं, जिसके लिए मुझे तरसना नहीं है कि मैं जब इंडिया जाऊंगी तो ही ले आऊंगी। इंडिया के लिए मैं तरसती हूँ नो डाउट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहाँ के प्यार के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। वो जगह ही अपनी है, वो लोग अपने हैं, तो फिर तो। और अभी चलते हैं, आज मुझे थोड़ी सी और शॉपिंग करनी है, क्योंकि धनतेरस है तो एक सामान खरीदना बनता है। अपनी फ्रेंड का मैं वेट कर रही हूँ, हम दोनों ही शॉपिंग करेंगे। मेरे यहाँ ना दिवाली में बहुत सारी चीजें नहीं बनती हैं, जैसे बहुत सारे घरों में ना, बहुत सारी जगहों पर, दिल्ली में, मुंबई में स्पेशली बहुत ज़्यादा डिश बनता है। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ होली में बनता है। दिवाली में एक दो चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हिट हैं, जैसे लड्डू, लेकिन लड्डू बनाना नहीं, लड्डू खरीद के लक्ष्मी गणेश को चढ़ाया जाता है। तो वो मैं करूँगी, लड्डू लेकर के आऊँगी। और मेरे घर जो क्या बनता था, पकौड़े शाम को, अलग अलग तरीके के, आलू, प्याज, हरी मिर्च, गोभी, लौकी का भी बनता था, बैंगन का भी बनता था। और साथ में जो सबसे ज्यादा हिट खाना था, जो कि हर साल बिना भूले बनता था, वो था सूरन का चोखा। सूरन की सब्जी नहीं, सूरन का चोखा। तो यहाँ सूरन नहीं मिलता, मैं जब से आई हूँ ये एक ऐसी सब्जी है जो मैं कभी भी यहाँ नहीं खाई हूँ। इवन कटहल आप कह सकते हैं कि फ्रोजन तो मिल जाता है, सूरन तो फ्रोजन भी नहीं मिलता है यहाँ, मैंने कभी नहीं देखा। ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मिला। अगर आप सुन रहे हैं, आपको पता होगा तो मेरे को बता दीजिएगा कि सूरन कहाँ मिलता है। और अभी देखिए, वैसे मम्मी पापा तो यहाँ नहीं है, बट फ्रेंड के नाम पर ही देखिए मुझे खिलाने के लिए लेकर के आई है। यहाँ पर समोसे बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, अगर आप लोग भी आसपास यहाँ रहते हैं। हाँ, स्वागत ग्रोसरी जो कि बेलव्यू में आता है, तो आप लोग भी यहाँ के समोसे ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है। मैंने तो करेले का पिकल भी लिया यहाँ से, जो कि फ्रेशली बने हुए हैं वो सामने, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मैंने वैसे ट्राई नहीं किया, ट्राई करके बताऊँगी कि कैसा है। और चाय भी, चाय। और पहली बार ये मसाला टी नहीं है, मुझे मसाला टी नहीं पसंद है। हो गई है रात और मैं अपनी सारी शॉपिंग करके डन कर चुकी हूँ। धनतेरस और दिवाली सारी शॉपिंग मेरी हो गई है, पिछले 4-5 दिनों से हो रही है, बट आज है धनतेरस, तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आज ही शूट करना चाहिए। ऐसा मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को अपनी वीडियो रात को अपलोड करती हूँ, तो इंडिया में आप लोग उसे लाइक ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे ही देख पाते होंगे, आई नो दैट। तो उस हिसाब से मुझे अपना आज व्लॉग शूट करना था और मैंने सारी प्रिपरेशन कर डाली है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है। एक झलक मैं आप लोगों को ऐसे टर्न करके दिखाती हूँ, सी। और कहते हैं प्रथम पूजनीय गणेश जी, तो चलिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति से ही इस व्लॉग का शुरुआत करते हैं। शॉपिंग हॉल की शुरुआत लक्ष्मी गणेश के मूर्ति से ही करते हैं। अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था, वैसे यहाँ के शॉप में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। 21 या $22 की ये मूर्ति है मेरी, और काफ़ी सुंदर है। इसके साथ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर है ये लक्ष्मी जी का पाँव, छोटा सा कलश है जिसको आप चिपका सकते हैं, वॉल के ऊपर भी आप इसे चिपका सकते हैं और सामने भी रख सकते हैं। और ये है कलश, इसे भी आप चिपका सकते हैं। शुभ लाभ बोलो प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की जय। लंबाई है मूर्ति की 6 इंच, तो इतनी छोटी भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है, पूरे एक हाथ के बराबर इससे आप देख सकते हैं।
मेरे पूरे एक हाथ के बराबर है ये। और ये है, और ये है लक्ष्मी माता की मूर्ति। ये है प्यारा सा, देखिए ट्रे के साथ दो छोटे छोटे से बोल्स आए हैं। और ये मुझे मिला था 599, इट मीन $6। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये है ट्रे से टोरियां, जिसमें आप रोली चंदन या जो भी प्रसाद चढ़ाना चाहें तो प्रसाद, बहुत छोटी छोटी सी हैं बट बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये है जो आज मैंने धनतेरस में लिया है, सिर्फ लाइक मुझे इसकी खास जरूरत नहीं थी बट धनतेरस के नाम पर आज कुछ लेना था इसलिए मैंने ये स्टील की प्लेट ले आई। जैसे ये पूजा वगैरह में ही मैं हमेशा यूज करूंगी, डेली के यूज में, यू नो यहाँ स्टील के बर्तन तो यूज होते नहीं है। 599 का, और ये भी सही है, लाइक थोड़ा सा तो महंगा मुझे लग रहा है, $6 में छोटा सा प्लेट है बिल्कुल, बट एनीवे कोई बात नहीं, धनतेरस के नाम पे मैंने लिया है। ये है देखिए पीतल की थाली, कितनी प्यारी है ना, बहुत सुंदर है। इसका आप साइड देख सकते हैं, साइड कितना ज्यादा खूबसूरत है, और इसका साइज भी बहुत एप्रोप्रिएट है, लाइक इसके अंदर अगर आप लड्डू रखेंगे तो एटलीस्ट 20 लड्डू इसके अंदर बहुत अच्छे से फिट आ जाएंगे। 24.99। साथ में मैं ले आई थी आम के कुछ पत्ते, ये नकली नहीं है बिल्कुल असली पत्ते हैं। यहाँ आम का पल्लव बहुत अच्छे से मिलता है क्योंकि लोग तोरण बनाते हैं ना आम के पल्लों का, वही लगाते हैं। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था कि आम के पत्तों का तोरण बना करके और दिवाली में लगाना है, वो हम लोग किसी कथा वगैरह में करते हैं। ये मैंने प्लेन दिए का सेट लिया है कि तो पूरे एक दर्जन है ये, थोड़ा उसका डिजाइन अलग है दियो का। हाँ इस पर तो रेट लिखा हुआ है, ये है 599। ये भी एक दर्जन है, एक दर्जन ये, एक दर्जन ये। ये दिए कितने ज्यादा सुंदर है, मैंने रेड कलर के नहीं लिए हैं क्योंकि रेड रेड बहुत सारी चीजें हैं तो कलर थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है। ये बिल्कुल मटके जैसे है ना, तो दो ग्रीन है और दो येलो है, तो ये कैंडल्स हैं, ये दिए नहीं है कैंडल्स हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। और ये मुझे मिले हैं 699। ये देख करके आप भी इसके फैन हो जाएंगे, लुक एट दिस। ये है कैंडल होल्डर, तो पर ये क्या है कि हर साल मैं इसे यूज कर सकती हूँ। बाकी इन दियों को ना जो मैं साथ में आप लोगों को दिखाई हूँ, ये बस एक साल, इसी साल जला और इसको फेंकना पड़ेगा, बट ये है कैंडल होल्डर तो इसको मैं एवरी ईयर यूज कर सकती हूँ। तो ये मुझे काफी वर्थ इट लगा कि चलो फेंकना नहीं है चाहे जितना भी महंगा होगा तो। और ये मुझे मिला था $11.99 का। एक मैं बहुत स्पेशल बर्तन लेकर आई हूँ जिससे मैंने पहले कभी अपनी लाइफ में यूज नहीं किया है, अपनी दादी को ही मैं उसमें खाना बनाते हुए, खाना तो नहीं दूध उबालते हुए देखी हूँ, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना, तो ये है मिट्टी वेयर जो इस पे लिखा भी है, देखिए टाइम देखिए, जिसे आप डायरेक्टली गैस के ऊपर रख सकते हैं बट आई थिंक ये इंडक्शन पे बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपको गैस के ऊपर ही पकाना है, तो मेरा गैस वाला ही है तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ बट मैंने आज के पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, यही मेरा फर्स्ट टाइम है। ये मुझे मिला था $19 का, $19 के मुझे मिले थे, मयूरी ग्रोसरी से ही मैंने लिया है। तो ये बहुत ही अच्छे से सब दिए हैं ऐसे पेपर में लपेट करके, वो भी हिंदी पेपर में, ये देखो ये लोग कहाँ से लाए होंगे। क्यूट मटका है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये गैस के ऊपर कैसे काम कर सकता है, क्योंकि है तो ये मिट्टी का ही, जैसे प्रॉपर हम लोग घड़ा वगैरह इंडिया में जो यूज करते हैं ना पानी पीने के लिए, और इतना छोटा है कि इसमें कुछ भी नहीं बन सकता है। चलिए मुझे अभी याद भी आ गया कि मिष्टी दोई बना करके मैं इसमें आप लोगों को दिखाऊंगी। जब मैं आप लोगों के साथ जन्माष्टमी का ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग देखेंगे कि जो लड्डू गोपाल का झूला है ना, वैसे वीडियो में तो काफी बड़ा दिख रहा है, वो साइज में भी बड़ा ही है, इतना छोटा नहीं है, बट उस पर मैं जब लड्डू गोपाल को रख रही हूँ जो कि काफी हैवी है, हैवी पीतल के बने हुए लड्डू गोपाल है, तो वो ना मेरे उस अपने झूले पर फिट ही नहीं आ रहे थे, कितनी मुश्किलों से मैंने उसको ऐसे टिका के रखा हुआ था, मैं उसको झूला नहीं पा रही थी क्योंकि वो गिर जाते, इतना लाइट वेट का वो झूला है। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत मैं ले आई हूं, वाओ आई लव इट सी। तो ये काफी हैवी है और देखने में भी बिल्कुल राज सिंहासन की तरह है, कितना खूबसूरत है। ये है $25 का,
ये देखिए रंगोली बनाने के लिए मैं कितनी अच्छी चीज लाई हूँ। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी होगा इसको बनाना। जस्ट इसको रखना है और इसके अंदर कलर्स भर देने हैं और इस कार्डबोर्ड को बस वहां से हटा लेना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये मुझे पड़ा था $7.99, इट मीन्स $8 का। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे लगा कि ये एवरी ईयर मैं यूज कर सकती हूँ। ये भी ऐसे टूटने फूटने वाली चीज नहीं है, तो बहुत हल्की फुल्की सी, अगर आप इसे थोड़ा भी जोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। ओ माई गॉड, टूट ही गया। ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, तोड़ के कौन दिखाता है। कोई ना। हाँ, और उसमें कलर भरने के लिए मैं बहुत सारे कलर्स भी ले आई हूँ। ये है पर्पल, एकदम वो चमकने वाले जो कलर होते हैं ना, वो है सारे। ये है रेड कलर, और पहले से भी मेरे पास कुछ कलर्स थे, वो ये है ब्लू, ग्रीन, व्हाइट एंड थोड़े से और बचे हुए ग्रीन। ये है पूरा रंगोली किट। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कोई भी इससे अपने घर में रंगोली बना सकता है, कुछ भी मेहनत ही नहीं करनी है। वैसे ये जो कार्डबोर्ड मैंने दिखाया ना, ये सबसे सुपर इजी है, इससे तो कोई भी बना सकता है। बच्चा भी इसको रख करके इसके अंदर कलर भर सकता है, ये थोड़ी सी मेहनत है उससे। और ये किट मुझे कितने का पड़ा था, $12.99 का मिला था। ये जो आप डब्बा देख रहे हो ना, तो इस डब्बे के अंदर जो है ये बड़ा वाला जो उसके ऊपर का ढक्कन है, इसको खोलना है, इसके अंदर कलर भरना है, देन इसको आप बंद कीजिए, और नीचे जो ये छोटा वाला आप ढक्कन देख रहे हैं इसको निकालना है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे जालियां बनी हुई है ना, तो बस इन जालियों को ऐसे टैप 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 कर देना है जहां भी आपको गिराना है। कितना इजी है ना कलर भरना। बहुत बार जब हम कलर्स भरते हैं तो स्पून से भरते हैं, हाथों से ऐसे करते हैं, इससे जब आप टैप टैप करके करते हो, आप लोग को भी पता होगा कि बहुत ही एक बराबर इक्वली हमारे कलर फिल होते हैं, जहां भी आप भरेंगे ना बहुत इक्वली वो भरेंगे। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया कि कहीं कहीं ज्यादा कहीं मोटा, फिर उसको हटाना, ये सब उसमें लफड़ा नहीं है। और इसके अंदर बहुत सारे कलर्स भी दिए हुए हैं, मेरे पास इतने कलर हैं, ऐसा लग रहा है मैं दो चार और घरों के रंगोली बनाऊं। और जैसा मैंने कहा कि मैंने इतनी रंगोली वाली चीजें कर दी, लग रहा दो चार और घर के बनाऊंगी, तो फिर ये देखिए ये भी मैंने खरीदा है, और ये भी रंगोली बनाने के लिए ही है, और ये मुझे मिला था $2.99 का। अभी आते हैं तोरण पर। तोरण तो इतना ब्यूटीफुल है ना, मेरा महंगा मिला बट बहुत सुंदर है। देखिए पहले ये कितने का है, ये मुझे मिला था $21.99, यानी $22 का एक तोरण है, बट छोटा है, काफी बड़ा नहीं है। बट ना, आप जब मार्केट गए हैं तो पैसे जब तक कुछ खत्म ना कर ले, कहां पेट भरते, बिल्कुल तसल्ली मिलती है। बस ये बहुत ज्यादा खूबसूरत तोरण मुझे दिखा, इसलिए मैं अपने मन को बिल्कुल मना नहीं पाई। देखिए एक्चुअली लगने के बाद ही इसकी खूबसूरती ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बट ऐसे एक बार दिखा देती हूँ। और ये जो साइड में आप दो लंबे वाले देख रहे हैं ना, तो एक 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 साइड में ऐसे साइड में लटकेगा, और दूसरा जो है वो उधर के साइड पर जाएगा लटकने के लिए। दोनों दो साइड से लंबे वाले, और ये साइड, ये बीच में, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना। तो वैसे मेरा डोर ना, मेन डोर बहुत ज्यादा चौड़ा है, तो ये मैं इसको बीच में लगाऊंगी, इन दोनों को ऐसे साइड साइड में, और उसके भी किनारे जो बचे हुए जगह है वहां मेरा फ्लावर्स लगाने का प्लान है, जो कि दिवाली इसके बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकती। अगर लक्ष्मी गणेश और दिए के बिना दिवाली कंप्लीट नहीं होती है, तो इन फायर क्रैकर्स के बिना कैसे हो सकती है। पटाखे तो जरूरी है ना, बिना पटाखों की दिवाली कैसी मेरी नजर में तो बिना पटाखों की दिवाली नहीं है। अब किसी को पटाखे मिले ही नहीं यहाँ पर, तो वो अलग बात है भाई, सीधी बात है, जब मिल ही नहीं रहा तो जलाएंगे कैसे। ये मुझे मिला था $8.99, इट मीन्स $9 का। ओ माई गॉड, तीन फुलझड़ी $9 की। और जब कैंडल्स का नंबर आया है, तो कुछ और प्यारे प्यारे कैंडल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज, जो कि मैं दिवाली में ही, कभी मैंने इसको यूज नहीं किया है, बट आप देखिए इसमें से पहले ये कैंडल बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये है कैंडल होल्डर, और प्यारा सा कांच का ना ये जो कैंडल स्टैंड है, मतलब अल्टीमेट ब्यूटीफुल है। मैं क्या बताऊं, वीडियो में वैसे आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो मुझे नहीं पता, बट मैं सामने से इसको ऐसे देख रही हूं ना, बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और इसको आप जरूरी नहीं है एज अ कैंडल होल्डर यूज करें, कुछ और भी किया जा सकता है, लाइक इसके अंदर आइसक्रीम खा सकते हैं, फालूदा खा सकते हैं,
कुछ भी लाइक जो भी आपका दिल करे आप इसमें डालो, खा भी सब। तो एक चीज, एक तीर से दो निशाने, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन मैं इसको यूज करूंगी इसके अंदर कैंडल डाल करके। मेरे पास ये कैंडल्स हैं, तो प्यारा है ना, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। सिर्फ ये एक नहीं है, ये पूरा पैक है। बहुत दिन पहले मुझे मिल गया था तो मैं ले आई थी। तो ये है छोटा वाला साइज, ये है माता जी का, है ना, रेड एंड येलो, लक्ष्मी गणेश। तो एक है थोड़ा येलो जैसा और एक है ये रेड जैसा, है ना, प्यारा है ना, कितना कितना खूबसूरत है यार। इसके अंदर दोनों ड्रेस है, इधर से ये आप देख सकते हैं येलो और इधर से ये रेड। तो ये वाला साइज यार, इन भगवान जी लोगों में भी कपड़े की क्वालिटी होती है। ये क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, मोर देन जो मैंने लास्ट वाला दिखाया। ये है माला दो, भगवान जी की आसिनी जिस पर दोनों लक्ष्मी गणेश दोनों बैठेंगे। दरवाजे पे लगाने के लिए मैंने ये शुभ दिवाली लिखा हुआ लिया है। बहुत ओल्ड डिजाइन है, मुझे पता है कि ये डिजाइन आजकल नहीं चलता है, बट यू नो ओल्ड इज गोल्ड। ये बात जी जिसने भी कही है बहुत सच कही है। मुझे बहुत सुंदर सुंदर दिखती हैं चीजें, बहुत प्यारी प्यारी, बट जब मैं ऐसी पुरानी चीजें, पुराने जो डिजाइंस होते थे ना, जब मैं उनको देखती हूँ तो एक बार को मेरा मन ना ऐसे अपने लाइक जब मैं हाई स्कूल, जब मैं 8th क्लास में थी उस टाइम पर चला जाता है कि कितनी सुंदर चीजें लगती थी यार। बताते बताते इतनी इमोशनल भी हो जाती हूँ कि मैं क्या बताऊँ, बस उसी टाइम में ही जाकर सोचती हूँ, कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं ये भी ले आई शुभ दिवाली लिखा हुआ, और इसको भी मैं डेफिनेटली लगाऊंगी, चाहे जितनी भी फैंसी चीजें लगा दूं लेकिन ये जरूर लगाने वाली हूं मैं। देखिए कितने खूबसूरत है। आप लोग ऐसे दशहरे वगैरह में भी देखे होंगे मेरे यहाँ, मैं जब मैं डांडिया वाला डाली थी तो मैं यही वाला तोरण लगाई थी। ये कितने प्यारे हैं ना। वैसे मैं अपने मंदिर को हमेशा पूरे साल ही डेकोरेट करके ही रखती हूँ, तो वो मेरा मंदिर ऑलरेडी तोरण से भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को मैं ऐसे अपनी सीढ़ियों पर लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा डोर के ऊपर लगाऊंगी, ओवर नहीं करूंगी बिल्कुल भी। तो ये व्हाइट कलर के जो है ना, वो भी इसके साथ कॉम्बिनेशन में, सॉरी यार, कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा खूबसूरत, और जो कि हर कोई लगाता है अपने घर में वैसे फूल, गेंदे के फूल। तो मैंने गेंदे के फूलों को भी ऐसे बल्क में खरीदा हुआ है, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं सच में यार। वीडियो के सामने ये दिखते ही वो ना रेड वाले वैसे नहीं दिख रहे थे, बट येलो वाले बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। अमेजोन से जब आप लेंगे तो ये 5 की लड़ियां एक साथ मिलती हैं, और इतनी महंगी भी नहीं होती है, $11-12 आई थिंक, अब मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ही होंगी। तो मैंने भी इतनी सारी 5 एक साथ ही मैंने मंगा ली है, और यू नो ये खराब होने वाली चीजें तो है नहीं, आप एवरी ईयर यूज कर सकते हैं। और जब इतनी सारी चीजें मैं खरीद ही रही थी तो मैं कुछ अपने लिए क्यों ना खरीदती, खुद के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो देखिए मैंने 3 ईयर रिंग्स, 6 क्यों दिखा रही हूँ, 3 ईयर रिंग्स लिए हैं मैंने। गोल्ड एंड लुक करके एक स्टोर है, जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसके अपने वीडियोस में मैं उस स्टोर के बारे में सब कुछ डिटेल में आप लोगों को दिखाई भी हूँ। और ये वेस्टर्न लुक वाले हैं, इसलिए आई थिंक थोड़े से सस्ते वहां मिले मुझे, मिले थे $4 के $4। तो मैं कभी यहाँ के भी लाइक यहाँ का जब इयररिंग्स लेती हूँ ना, और जब मैं इनके स्टोर में जाती हूँ तो भी इतना सस्ता। बहुत लाइट वेट के हैं इसलिए मुझे बहुत पसंद आया था, और ये मुझे मिले था $3 का। देखिए रेट भी लिखा हुआ है, पूरा तैयार मैंने पहन ली, कितनी सुंदर लग रही है ना। सी मुझे $4 का, देखिए इसका रेट लिखा हुआ है सामने। देखिए ये वाले इयररिंग्स भी छोटे छोटे, कितने क्यूट से और कितने प्यारे हैं। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो US के अंदर रह करके बहुत ही कम ऐसे इंडियंस होंगे जिनको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। कप्स, चाय वाले जो कप होते हैं ना, वो हम इंडियंस यहाँ तरस जाते हैं कि छोटे साइज के कप मिल जाएं, सारे के सारे वो मग ही मिलते हैं, कॉफी मग जिसे बोलते हैं। और मैं एकदम, मतलब मैंने इंडिया में कभी उतने कॉफी, मतलब आप सोच सकते हो ना, चाय को आप कॉफी मग में डाल के पियो ना, वो फील ही नहीं आता है मेरे को, मुझे कप चाहिए होता है। तो मैं हमेशा इंडिया से ही बहुत सारे कप्स लेकर के आती हूँ, बट इस बार डेली यूज के लिए, बहुत फैंसी मैं नहीं बोलूंगी लेकिन डेली यूज के लिए मैंने पहली बार ऐसे इतने सुंदर और इतने छोटे कप्स दिखे हैं। ये देखिए विथ स्टैंड है ना, एक तो इसके साथ ये बहुत अच्छा है कि आपको इधर उधर कप रखने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह पर इसको किचन में एक लाइन से ना बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। इसको हटाते हैं साइड में, देखिए
देखिए ये सारे के सारे ऐसे स्टैंड के साथ ही है, कितना फैंसी कलर है ना, कलर तो काफी खूबसूरत है। देखिए मैं कितनी सुंदर चौकी ले आई हूँ, है ना। वैसे तो यू नो बहुत सारे डिजाइन वाले मिलते हैं सिल्वर करके, उसके ऊपर मीनाकारी की रहती है, बट जो फील इस लकड़ी के लाइक इतना ज्यादा हैवी है ना कि उठाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा सॉलिड है। और धीरे धीरे मैं पीछे की तरफ खिसकती जा रही हूँ, आप लोग देख रहे हो मेरा कैमरा एंगल कैसे चेंज होता जा रहा, क्योंकि सामने इतनी सारी चीजें हो गई है ना कि मुझे स्पेस ही नहीं है बैठने का। और मैं क्या पहनूंगी चलिए वो भी दिखा देती हूँ। वैसे मेरा प्लान था कि मैं ऐसे गाउन पहनूंगी, फिर मेरे दिमाग में आया चलो अनारकली ड्रेस पहनूंगी, फिर आया दूसरी सिल्क की साड़ी पहनूंगी, बस करते 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 यू नो लास्ट में जो जब आप कंफ्यूज हो जाते हो ना तो एक कोई ऐसे जल्दी से पिक कर लेते हो। और मुझे येलो लाइक पूजा वगैरह में रेड और येलो ऑरेंज मुझे ये सब बहुत ज़्यादा कलर पसंद है, तो मैंने ये येलो कलर की साड़ी निकाली है। आई नो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, आई डोंट नो मेरे ऊपर कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, बट यू नो आप रखे हो तो यूज भी करना चाहिए। स्पेशली लक्ष्मी गणेश की पूजा है, गणेश जी का फेवरेट कलर येलो है, वैसे लक्ष्मी जी का रेड भी है, लेकिन अभी मैं लास्ट यू नो जब तीज व्रत वगैरह की थी, करवा चौथ का की थी, उसमें रेड ही मैं पहनी थी, इसलिए मैं इस बार सोच रही हूँ कि येलो पहन लूँ। और ये है इसके ऊपर ऐसे वर्क, और ये साड़ी दो शेड में है ऐसे। और जब इतनी चीजें दिखा दी, इतना ज्यादा कैमरा एंगल गोल 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 में घुमा रही हूँ, तो चलिए जो बची हुई चीजें हैं, एक दो चीजें मैं वो भी दिखा देती हूँ। मैं बहुत ज्यादा भी थक गई हूँ, अंधेरा भी काफी हो गया है, रात के 10:30 बज रहे हैं, अभी मैं शॉपिंग हॉल ही कर रही हूँ, क्या करूँ यार खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये मैं लड्डू भी ले आई हूँ आज, जिसको कि परम पूजनीय गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं ये लड्डू उनको चढ़ाऊंगी। मैं घर पे कोई लड्डू वगैरह नहीं बना रही हूँ, तो ये मैं लड्डू लेकर के आई हूँ। तो ये सारी चीजें मैं ले आई, अब हो गया मेरा शॉपिंग हॉल डन फाइनली। और कैसा लगा आप लोगों को आप लोग जरूर बताइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को पसंद आया। और अगर वीडियो थोड़ी भी किसी भी वजह से, किसी भी सामान की वजह से अगर इतनी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग ऐसे ही वीडियोज देख रहे हैं, तो प्लीज एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जो कि इस वीडियो के नीचे जहां आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, जो भी रेड कलर में होगा, अगर आप उसको टच करेंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा, तो इट मीन्स आप लोगों ने उसे सब्सक्राइब कर लिया। और जो उसके बगल में रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है, उसके बगल में एक घंटी बनी होगी छोटी सी, अगर आप उसको टच कर देंगे तो ऐसे कट करके उसके ऊपर निशान आएगा, तो इट मीन्स मेरे नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले जाएंगे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली का एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा बन जाइए। एंड हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली, खूब सेलिब्रेट कीजिए, खूब अच्छे से कीजिए, अच्छी अच्छी चीजें खाइए, अच्छी अच्छी चीजें पहनिए, खूब अच्छे से लक्ष्मी गणेश का पूजन कीजिए, और अपना जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ शेयर कीजिए। वैसे मैं तो अपनी चीजें आपके साथ शेयर करती ही हूँ और आगे करती ही रहूंगी, अगर ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें तो। चलिए जी अब करते हैं आप लोगों को शुभ रात्रि, और आप लोगों के यहाँ अगर दिन है तो हैव अ ग्रेट डे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए कर देते हैं आप लोगों को टाटा बाय बाय।